कुटिकुचिरे पुंडरीके निषण अम्लान श्री रमृत वृषद प्रावयन्मा आविर्भूया जनक महिमा मानसे वागदीश कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्मृति ग्रंथों के विषय में इस समय कार्यशाला चल रही है, जिसमें अनेक अपने विषय के विशिष्ट विद्वान भी हैं और छात्र भी ऐसे प्रतिभागीगण हैं। यद्यपि इस विषय में आप लोग बहुत सा विचार सुनते चले आ रहे हैं आज दो दिन से, कल से उद्घाटन में और आज के कार्यक्रम में, और स्मृति ग्रंथों के विषय में जैसे कल भी चर्चा हुई थी, प्रायः लोग वेद स्मृति पुराण ऐसे चर्चा करते हैं। एक वाक्य है श्रोत्रव्यः श्रुति वाक्येभ्यः, श्रुति वाक्यों का श्रवण करना चाहिए। तो स्मृति तो श्रुति वाक्य हुआ नहीं, तो फिर इसका श्रवण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले यहीं से विचार होता है। तो इसके विषय में कथनीय यह है, स्मृति है क्या? स्मृति भी वस्तुतः वेदांग के स्वरूप में कल चर्चा हुई थी और आज भी उसी चर्चा को हम थोड़ा सा दोहराएंगे कि वेदांग के रूप में जो छंद है, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है, इसमें जो कल्प वेदांग है उसमें स्मृति भी आते हैं। किस रूप में आते हैं? तो वो चार प्रकार के कल्प कहे गए हैं जिनको हम सूत्र के नाम से जानते हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, शुल्व सूत्र और धर्म सूत्र। ये सभी सूत्रों की जो रचना हुई है वो वेदों के तत्व स्वरूपों के आधार पर ऋषियों ने किया। तो जिन्होंने मंत्र को देखा उन्होंने ही सूत्र ग्रंथों की भी रचना की और उन्हीं के द्वारा स्मृत ग्रंथों की भी रचना हुई। जैसे एक ऋषि का नाम आप ले लीजिए, याज्ञवल्क्य ऋषि है। याज्ञवल्क्य ऋषि मंत्र दृष्टा भी है, याज्ञवल्क्य ऋषि जो है वो स्मृतिकार भी है और श्रौत कार्य में भी उनका विशेष करके जो आपका जो है श्रौत कार्य में भी उनका योगदान है। इसी तरह से आपके वशिष्ठ ऋषि हैं, वशिष्ठ की उनके लोमस ऋषि है, लोमस स्मृति भी है, शंख स्मृति भी है, व्यास स्मृति भी है, सभी स्मृति ग्रंथ उन तत्त ऋषियों के द्वारा निर्मित है, उन धर्म सूत्रों के आधार पर है। इसलिए जैसे वेदांत सूत्र का भाष्य भी वेदांत कहा जाता है, इसको आप दूसरा कहेंगे, उसी तरह से जो धर्म सूत्रों के व्याख्या गुरु स्मृति ग्रंथ है वो भी वेदांग है धर्म सूत्र का स्वरूप होने के कारण। इसलिए साक्षात ना होकर के भी परंतु उसके तद संबद्ध होने के कारण वेदांगत्वेन वेद का स्वरूप है। श्रोत्रभ्य श्रुति वाक्येभ्य के अनुसार स्मृति वाक्यों का श्रवण करके तद अनुसार जीवन को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। इसलिए वो स्मृति ग्रंथ भी हमारे लिए उतने ही सम्माननीय है जितने आपके वेद सम्माननीय। भारतीय परंपरा में अगर आपको कोई कहे आप भारतीय हैं, ऐसा कौन सी चीज है आपकी जिसे आपको हम भारतीय मान लें? जैसा आपका स्वरूप है उसमें विदेश के जितने मनुष्य वैसा ही स्वरूप उनका भी है। आपकी तरह वो भी सवेरे जागते हैं, स्नान आदि करते हैं, अपने इष्ट की जो उनकी परंपरा उसकी आराधना करते हैं, आपकी तरह वो भी कुछ खाते हैं, कमाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं और वो भी हर तरह के कार्यक्रम जो आप करते हैं, तो आप भारतीय हैं ऐसा आपको क्यों मान ले? आपको क्या आपके पास ऐसा प्रमाण है कि आप अपने को भारतीय कह सकते हैं? कुछ ऐसा है कि आपके पास है और वो है आपके वर्णाश्रम धर्म आचार। जो वर्णाश्रम धर्म का जो स्वरूप है, संस्कारों का स्वरूप है, वो भारत या भारतीय परंपरा से संबद्ध अन्य देशों में नहीं है। भारतीय परंपरा संबद्ध देश जैसे आपका नेपाल है,
या और भी जो संबद्ध देश हैं जिनमें अपने भारतीय हैं, या भारतीय जहां पर मूल रूप में अपनी परंपरा को अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित रखते हुए रहते हैं, उनको छोड़ करके कहीं भी ये परंपरा आपकी नहीं है, ये केवल आपकी यही पहचान है। तो वर्णाश्रम धर्म आचार विचार और संस्कार ये ही हमारे भारतीयता के मूल तत्व है। जो इनका पालन करता है वो अपने को पूर्ण रूप से भारतीय करने का अधिकार कहने का अधिकारी है, जो नहीं पालन करता है वो अपने कहने के लिए अधिकारी नहीं कि मैं भारतीय हूँ। भारतीय शब्द का भाव प्रकाशे रता स्थित भारत, जो प्रकाश में स्थित है। प्रकाश क्या है? चरित्र का प्रकाश, चरित्र और ज्ञान का ही प्रकाश मुख्य प्रकाश होता है, बाकी तो बिजली भी प्रकाश करती है, सूर्य के द्वारा भी प्रकाश मिलता है। तो भारत शब्द का जो स्वरूप है, हमारा जो आचार और विचार है वो वेदादि से संबद्ध है, और इसी कारण से हमारी जो परंपरा है वो अक्षुण्ण भारतीय परंपरा है। और उस भारतीय परंपरा का सबसे स्वरूप कब प्रकट होता है कि जब आप उन वैदिक संस्कारों से आप पूर्ण रूप से संस्कृत होते हैं। जैसे किसी पात्र में आपको किसी वस्तु को रखना है, दूध मान लीजिए आप रखते हैं किसी पात्र में, अशुद्ध पात्र में अगर दूध रखेंगे दूध फट जाएगा, दही रखते हैं उसमें खट्टापन हो जाएगा। अभी यह कहा जाता है कि ताम्र के पात्र में दूध और दही का वस्तु नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसमें कसैलापन आ जाता है। पीतल के पात्र में किसी भी प्रकार का आप खट्टा पदार्थ रख दीजिए खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पात्र की प्रत्येक वस्तु के आधान का सामर्थ्य संरक्षण का सामर्थ्य उसमें नहीं होता, परंतु उसी ताम्र पात्र में अगर कलई कर दिया जाए या उसी पीतल के पात्र में कलई कर दिया जाए, दूसरी धातु उस पर परत में चढ़ा दिया जाए, तो क्या उसमें कसैला बनाएगा? क्या नहीं है। ठीक इसी तरह से भारतीय परंपरा को स्थापित करने के लिए हमारे शरीर को तत्त्व संस्कारों से जन्म के पूर्व से ही संस्कृत किया जाता है, ये परंपरा है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को, संपूर्ण समाज की ये परंपरा, संपूर्ण समाज में सब व्यक्ति को सबका संस्कृत हमको करना है, और तभी हम पूर्ण रूप से अपने उस रूप में अर्थात पात्रत्व को प्राप्त करेंगे। इसके पात्रत्व को भारतीयत्व, भारतीयता के प्राप्ति के पात्रत्व को हम प्राप्त करते हैं। और वो संस्कार कितने हैं, कैसे हैं, इस पर बड़ी चर्चा है स्मृतियों में। जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं सभी संस्कारों के विषय में प्रायः चर्चा करते हैं। और एक बात जो संस्कार के पहले बतलाने योग्य है कि हमारे यहाँ एक और परंपरा है, आप सभी जानते हैं यज्ञों की परंपरा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो यज्ञ ना मानी जाती हो। तो आप प्रश्न कर सकते हैं, क्या भोजन करा स्नान करना ये भी यज्ञ है? ये कैसे यज्ञ हुआ भैया? आप स्नान करते हैं अपने शुद्धि के लिए, आपका शरीर शुद्ध रहे। भोजन करते हैं इसलिए कि आपके शरीर को ऊर्जा मिलता रहे, शरीर आपका काम करता रहे, उस शरीर से अनेक कार्य आपका संपादन करते रहे। तो यज्ञ क्या हुआ? यज्ञ का तात्पर्य है जहां पर उसके द्वारा ऐसा फल प्राप्त हो जिसे किसी अपूर्व अर्थात एक अन्य विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार आपके स्वरूप में हो, वो यज्ञ का स्वरूप हो, जिसको हम लोग पुण्य शब्द से जानते हैं। वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो आपके अध्यात्म को, आपके आत्मा को प्राप्त होता है, वह ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसको इस जन्म में और अन्य जन्म में भी आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। तो ये भी एक यज्ञ है। हमारे संपूर्ण समाज को अग्नि सोमात्मकम जगत कहा गया, हमेशा अग्नि में सोम की आहुति होती रहती है। आपके अंदर भी अग्नि, जिसको आप जठराग्नि कहते हो, और ये अन्न तत्व क्या है? यही सोम है। तो उस अग्नि कुंड में, जठराग्नि में आप अन्न रूप सोम की आहुति देते हैं, जल की आहुति देते हैं। अभी आपको इतनी गर्मी लग रही है, तुरंत प्यास लग रही है, प्रायः कई बाटल पानी सबके समाप्त होते चले जा रहे हैं। एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा के बाद आपको भूख लगती। क्यों लगती है आपको भूख? क्योंकि जैसे अग्नि में जब आहुति डालते हैं तो प्रज्वलित होती है, ज्यादा आहुति पड़ने पर थोड़ा सा धीरे से दब जाती है और फिर धीरे से जला करके फिर आगे प्रज्वलित हो जाती है। ठीक उसी तरह से
तो ये जितने संस्कार हैं ये भी यज्ञ हैं। इनको कौन सा यज्ञ कहा जाता है? तो इनको पाक यज्ञ कहा जाता है। जितने संस्कार हैं इनको पाक यज्ञ से हम व्यवहार करते हैं। और ये पाक यज्ञ भी चार प्रकार के होते हैं। चत्वारः पाक यज्ञः गृह सूत्र में कहा गया है, भूत अभूत प्रभूत और प्राश्चित। भूत अभूत प्रभूत और प्राश्चित। भूत शब्द से आप जानते हैं जिसमें हवन किया जाए वो भूत, जिसमें हवन ना किया जाए वो अभूत, और जिसमें हवन और बलिदान दोनों किया जाए वो प्रभूत, और जिसमें किसमें कितने केवल प्राशन किया जाए उसको कहते हैं प्राश्चित। और संस्कार जितने हैं इन्हीं पाक यज्ञों में आते हैं। किसी यज्ञ में किसी संस्कार में हूत केवल होता है, किसी में केवल अहूत होता है, किसी में प्रहूत अर्थात बलिदान वगैरह भी होता है और आहुति भी होती है, और किसी में केवल प्राशन अर्थात केवल प्राशन होता है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि होता है। तो इन पांचों कार्यों का हम जित प्रायः सभी संस्कार में और विशेष करके जो है विवाह संस्कार में, चूड़ाकरण संस्कार में, उपनयन संस्कार में, सीमांतो नयन संस्कार में इनकी विशेष स्थिति देखी जाती है। इन पाक यज्ञों के स्वरूप की अन्य में भी होती है। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम ये ज्ञान करें कि हमारे संस्कार हैं कितने। सब कोई चर्चा है, प्रसिद्ध है 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार है। तो क्या 16 ही संस्कार है? 16 संस्कार मानने वाले कौन कौन से हैं? 16 संस्कार होते कौन कौन से हैं? या और अधिक संस्कार अगर होते हैं तो कौन कौन है? अगर कम संस्कार होते हैं तो कौन कौन है? ये भी पहले जानना जरूरी है संस्कारों के जानने के पहले। तो सबसे पहले हम गृह सूत्र के रूप में पारस्कर गृह सूत्र को लेते हैं, क्योंकि ये स्मृतियों का मूल माने जाते हैं जितने भी ये गृह सूत्र भी हैं। ये भी एक बात आपको जानना आवश्यक है कि स्मृतियों में गृह सूत्र और धर्म सूत्र इन दोनों का समावेश होता है। गृह सूत्रों की भी बातें होती हैं और धर्म सूत्रों की भी बातें होती हैं। इनके अतिरिक्त वेद में जहां पर इस तरह से नीति वाक्य है उनका भी लोक स्मृतियों में होता है। इसलिए कालिदास ने एक शब्द कहा है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, श्रुते रिवार्थम स्मृति रत्म गच्छ। श्रुति जो है उसके अर्थ को ही स्मृति अनुगमन करती है, इसलिए श्रुति विरुद्धा स्मृति अप्रमाणा ये कहा जाता है। श्रुति से विरुद्ध अगर स्मृति है तो प्रमाणभूत नहीं मानी जाती है, ऐसा शास्त्रकारों का उल्लेख। तो पारस्कर गृह सूत्र में सबसे पहले विवाह संस्कार की चर्चा है। क्यों है? क्योंकि विवाह के बिना पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक बाकी संस्कारों की चर्चा किस आधार पर की जाए? तो उन्होंने कहा पहले विवाह संस्कार की चर्चा करते हैं। उन्होंने विवाह संस्कार के विषय में बताया, विवाह संस्कार के पश्चात गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार, चूटाकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, देशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। इस तरह से इन्होंने 13 संस्कारों की चर्चा की। कई संस्कार है जिसका उन्होंने इसमें उल्लेख नहीं किया, विशेष करके जैसे उपनयन संस्कार की चर्चा उन्होंने की किंतु वेदारंभ संस्कार की चर्चा नहीं की। किंतु जब उपनयन संस्कार का वर्णन करते हैं तो उसमें पूरी विधि वो वेदारंभ संस्कार की भी देते हैं। तात्पर्य यह है कि उन्होंने ये माना कि उपनयन संस्कार बिना वेदारंभ संस्कार के अधूरा है, ये तदर्थ वो वेदारंभ संस्कार को भी उपनयन संस्कार का पूरक मान करके उनकी व्याख्या तो उन्होंने की, किंतु नाम के रूप में इसकी गणना उन्होंने नहीं कराए। तो इस आधार पर उनके 14 संस्कार हो सकते हैं। दूसरी बात यह है उन्होंने वानप्रस्थ संस्कार की और जो है संन्यास संस्कार की भी चर्चा नहीं की, केवल विवाह संस्कार की चर्चा की। इसके बाद उन्होंने आपके जो है गृह याग्नि का
और श्रौताग्नि के परिग्रहण की भी चर्चा नहीं की, उनको भी संस्कारों पे उनकी भी चर्चा की। तो वो उसका कारण यह है कि विवाह संस्कार जहां पर माना जाता है, आर्षों का विवाह जो संस्कार है, उसको विवाह संस्कार के अंतर्गत ही गृहयाग्नि जिसको हम गार्हपत्य अग्नि भी कहते हैं और त्रेताग्नि जिसको श्रौताग्नि भी कहते हैं, इन दोनों संस्कार को विवाह संस्कार के अंतर्गत ही पूरक संस्कार के रूप में मान करके यद्यपि उन्होंने व्याख्या नहीं की परंतु ऐसा प्रतीत होता है उनके कथन से कि उसको वो स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से इनके मत में भी 16 संस्कार इस रूप में, 3 पूरक संस्कार और 13 आपके ये जो है उनके द्वारा उल्लिखित संस्कार, तो 16 संस्कारों का स्वरूप इनके मत में भी बनता है। राजर्षि मनु ने अपने मनुस्मृति में इन्होंने 14 संस्कारों की चर्चा की। वो संस्कार आपके हैं गर्भाधान, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, उपनयन, वेदारंभ, केशान, समावर्तन, विवाह, अग्निहोत्र, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्ट। इन संस्कारों की चर्चा ये करते हैं। इनमें भी ये देखा जाता है कि इन्होंने गर्भाधान संस्कार की चर्चा तो की किंतु पुंसवन संस्कार की, सीमंतोन्नयन संस्कार की चर्चा नहीं किया मनु ने। ऐसा प्रतीत होता है कि गर्भाधान के बाद जातकर्म संस्कार पर वो सीधे आते हैं और उन्होंने उसको क्यों नहीं किया इस पर विचार करना आवश्यक होगा, बाद में देखा जाएगा इसको। परंतु उन्होंने क्या है, गर्भाधान के बाद सीधे जातकर्म, नामकरण इत्यादि में आए और उन्होंने 14 संस्कारों की चर्चा की। उस आधार पर ये 2 संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोदन संस्कार की चर्चा मनु ने मनुस्मृति में नहीं किया। गौतम स्मृति में आचार्य गौतम ने जो है ये 40 संस्कारों की चर्चा करते हैं। गौतम जी ये कहते हैं गर्भाधान, कुंसमन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, ऋग्वेदारंभ, यजुर्वेदारंभ, सामवेदारंभ, अथर्ववेदारंभ, समावर्तन, विवाह, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ, वैश्वकर्म और ब्रह्मयज्ञ, और ये 7 पाक यज्ञ है। इसमें अष्टका, पार्वण, श्राद्ध, श्रावणी कर्म, आग्रहणी, चैत्री और जो है ये आश्वयुजी और आग्नेयाध्येय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, आवाग्रहण, चातुर्मास, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि, अग्निष्टों, अत्यग्निष्टों, उक्त्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम, ये सभी यज्ञों को लेकर के ये 40 संस्कारों की चर्चा करते। और इसी में महर्षि याज्ञवल ये जो है इन्होंने जो चर्चा की है अपने संस्कारों की, तो उसमें इनके मत में जो है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म और निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और उपनयन, और इसके बाद जो है जो है समावर्तन संस्कार और उसके साथ साथ फिर जो है विवाह आदि संस्कारों की सब ये चर्चा करते हैं। वानप्रस्थ की भी चर्चा इनके यहाँ है और साथ साथ में संन्यास आश्रम की भी चर्चा है, और इन्होंने अंत्येष्टि संस्कार की चर्चा नहीं की। इनके आधार पर अंत्येष्टि को छोड़ दिया जाए तो 15 संस्कारों की चर्चा होगी। व्यास अपनी स्मृति में जिन 16 संस्कारों की चर्चा करते हैं वो है आपके गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेध, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अग्निपरिग्रह, त्रेताग्नि संग्रह, ये 16 संस्कारों की चर्चा करते हैं। इसमें उन्होंने अंत्येष्टि संस्कार को शामिल नहीं किया और इस तरह से 16 संस्कार के मानते हैं।
आपको जानना एक अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी संस्कार या कोई भी कार्य जो हमारे यहाँ वैदिक रूप से किए जाते हैं, उसमें जो विचार होता है तो चार तरह के विचार मुख्य होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है काल शुद्धि। काल शुद्धि के अनंतर होता है द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि के बाद तीसरा होता है क्रिया शुद्धि, और चौथा होता है मंत्र शुद्धि, और पांचवा होता है भाव शुद्धि। ये पांच शुद्धियां हैं। पहला आपका कौन है? काल शुद्धि। काल शुद्धि के बाद द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि के बाद क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि और भाव शुद्धि। एक भी का इन पांचों में से किसी अगर एक भी चीज की गड़बड़ी हुई तो उस कार्य का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले सबसे पहले काल शुद्धि देखा जाता है। काल शुद्धि का विचार हम कहां से करते हैं? ज्योतिष शास्त्र से करते हैं। तो जितने संस्कार हमारे हैं उनमें सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तत्त्व मुहूर्त में ही कार्य संपादन करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं काल शुद्धि। हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं, जैसे अभी कहा जाए भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप समय बताइए, तो आजकल इस दोपहर में कभी नहीं कहेंगे कि आप करेक्ट जो है 1:30 बजे आ जाइए हमारे घर, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आप यही कहेंगे बड़ी धूप है, आप शाम को 5 बजे के बाद आइए तो आपको भी ठीक रहेगा, हमको भी ठीक रहेगा। कारण क्या है? काल शुद्धि ने या तीव्र धूप है वो धूप है। इसी प्रकार ठंडी के समय किसी को रात को 11 बजे बुलाएंगे तो उसमें भी काल शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि भयंकर ठंडा रहेगा। वो आदमी कहेगा हम आपको सवेरे आपके यहाँ 8-9 बजे आ जाएंगे, अभी आने में असमर्थ। तो तात्पर्य क्या है कि जिस समय पर उस कार्य विशेष के संपादन में हमारे जितने काल के विषय में है, जिसमें दिन है, नक्षत्र है और तिथि, और साथ साथ में लग्न, तिथि नक्षत्र दिन और लग्न, इनका विचार किया जाता है, यही है काल शुद्धि का स्वरूप। इसके बाद काल शुद्धि के बाद क्या है, क्या लिखा है हमने आपके? द्रव्य शुद्धि। द्रव्य के विषय में यह है कि आपका द्रव्य का जो संयोजन वही होना चाहिए जो आपने अत्यंत परिश्रम से उस द्रव्य का अर्जन किया है। और गलत तरीके से द्रव्य कोई अर्जन है तो कम से कम अन्य कार्य में भले लगाइए, अपने संस्कार आदि और पूजन पाठ इत्यादि कार्यक्रम में उस द्रव्य का संयोजन कदापि मत करिए। इसको कहते हैं द्रव्य शुद्धि का स्वरूप। और तीसरा क्या है? क्रिया शुद्धि। क्रिया शुद्धि का तात्पर्य यह है कि जो विधि संपादन के लिए शास्त्र में बताई गई है उसी के अनुसार पूर्ण कार्य होना चाहिए। उसमें आपके जो याजक है, जिसको आप पुरोहित कहते हैं, उनको मत कहिए साहब हमारे पास बहुत कम समय है, ये 5 मिनट में पूरी क्रिया को संपादन कर दीजिए, या हमारे पास बहुत समय है आज दिन भर इस कार्य को करिए, हमें कोई चिंता नहीं है। तो दोनों कार्य गलत है। तात्पर्य क्या हुआ कि जितना समय अपेक्षित कार्य विशेष के संपादन में है उतने समय का ही संयोजन उसमें होना चाहिए, ना कार्य न कम का और ना अधिक का। तो इसको कहते हैं आपका क्रिया शुद्धि। और तीसरा है मंत्र शुद्धि, चौथा है मंत्र शुद्धि। मंत्र शुद्धि का तात्पर्य है कि मंत्रोच्चारण जो हो वो सही ढंग से होना चाहिए। एक बड़ा सा उदाहरण है हमारे, विशेष करके इसका उल्लेख कई जगह है, परंतु पाणिनि शिक्षाकार ने इसका, पाणिनि शिक्षा में उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि मंत्रो स्मृतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाः सवाग् वज्रो यजमानम् हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। तो मंत्र जब उच्चारण करते हैं तो स्वर से अथवा वर्ण से कहीं से भी अशुद्ध है, दुष्टः मंत्रः स्वरतो वर्णतो वा, दुष्टः मंत्रः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमः। तात्पर्य उसके वर्णों का उच्चारण भी सही होना चाहिए और उसके स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित का भी उच्चारण सही ढंग से होना चाहिए। उदाहरण दिया यथा इंद्र शत्रु शब्द है,
इंद्र शब्द शब्द के दो अर्थ होते हैं समास करने पर, अगर बहुव्रीहि समास करेंगे तो उसका दूसरा अर्थ हो जाएगा और षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो दूसरा अर्थ हो जाएगा। शत्रु शब्द का अर्थ यहाँ पर रिपु अर्थ में नहीं है, शत्रु शब्द यहाँ पर मारने वाला अर्थ में, शातैता शत्रु अरे मारने वाला। तो इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है मारने वाला जिसका, ये अर्थ एक हो गया। और इंद्र से शत्रु, इंद्र का मारने वाला या इंद्र को मारने वाला, तो इंद्र शत्रु वरधस्व अगर हम इसमें बहुव्रीहि समास करते हैं उसका अर्थ होगा इंद्र है मारने वाला जिसका वह बढ़े, अर्थात वो सभी को तो हरा देगा पर इंद्र से हार जाएगा, ये अर्थ ये हो गया। और एक हो गया इंद्र से शत्रु वरधस्व, इंद्र को मारने वाला बढ़े अर्थात वो सबको भी मारेगा इंद्र को भी मारेगा। तो वहां पर जो इंद्र जो यज्ञ करा रहा था वृत्रासुर का उसका भाई, तो उसने वहां उसके जो पुरोहित थे उन्होंने उसका जो उच्चारण किया तो वो पूर्व प्रगति स्वर उच्चारण कर दिया, तो उससे क्या हुआ इंद्र शत्रु यस्य सः, ये अर्थ उसका हो गया और अनर्थ हो गया, अर्थात वृत्रासुर सभी से तो जीत गया किंतु इंद्र के द्वारा मारा गया। तो ये होता है मंत्र के अशुद्धि होने के कारण। और पांचवा है भाव शुद्धि, आपने द्रव्य भी ठीक से किया, क्रिया भी ठीक से हुई, मंत्र भी ठीक से बोले गए, किंतु पूजा में आप बैठे हुए हैं, आपका मन चौक घूम रहा है या इलाहाबाद घूम रहा है या दिल्ली घूम रहा है, तो आपको फल नहीं मिलेगा। उसी जगह पर आपका भाव भी होना चाहिए जहां पर क्रिया हो रही है। तो ये प्रत्येक अनुष्ठान ना केवल संस्कार में, प्रत्येक कार्य में ये पांच शुद्धि की आवश्यकता होती है। तो इतनी शुद्धियां जब होंगी तभी आपको फल मिलेगा। तो कार्य शुद्धि के विषय में मुहूर्त चिंतामणि में 20 संस्कारों की चर्चा की गई, जिनमें उनका सबके बाकायदे मुहूर्त कहे गए हैं। मैं उनका आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ। वो 20 संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसमन, सीमंतोन्नयन, विष्णुवली, जातकर्म, नामकरण, स्तन्यपान, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, भूमिपवेशन, तांबूल भक्षण, कर्णवेध, चूटाकरण, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत कर्म, समावर्तन और विवाह। इसमें भी श्रौताग्नि, गृह्याग्नि और संन्यास की चर्चा नहीं है और 20 इन्होंने माना। तो इतने विवेचन के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कौन कौन से 16 संस्कार हमको मानना चाहिए? तो चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो गर्भाधान संस्कार सर्वमान्य है, इस पर सभी लोगों ने चर्चा की। पुंसमन संस्कार की भी चर्चा केवल मनु को छोड़कर के प्राय सभी ने की। पुंसमन संस्कार के साथ में एक और अवांतर संस्कार है जिसको हम अनलोभन संस्कार कहते हैं। आश्वलायन गृह सूत्र में इसकी चर्चा थी अनलोभन संस्कार की, जो पुंसमन संस्कार का एक उसका अवांतर संस्कार उसको कह सकते हैं। तीसरा है आपका सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार के साथ में ही अवांतर संस्कार है जिसकी चर्चा अभी हमने बहुत चिंता में की थी, उसको कहते हैं विष्णु बलि संस्कार। उसकी भी चर्चा सीमंतोन्नयन संस्कार के साथ में उसका होता है। इसलिए दो संस्कारों का तो इसी के अंतर्गत हो गया। अंतर्भाव जात कर्म संस्कार और नामकरण संस्कार ये पृथक पृथक है। निष्क्रमण संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार के ही अंतर्गत जिन दो संस्कारों की चर्चा हुई है और वो है भूमि पिवेशन, तांबूल भक्षण, माने बच्चे को भूमि में रखने का एक संस्कार होता है और उसको दोला आरोहण भी होता है, माने उसको बच्चे को झूले में रखते हैं, छोटे बच्चे रहता उसको नहीं रखा जाता है, जो 3-4 महीने का हो जाता है तो उसको रखते हैं, और साथ साथ में उसी समय तांबूल भक्षण को तांबूल भी खिलाने का उसमें संस्कार के अंतर्गत इसकी चर्चा होती है अन्नप्राशन के साथ साथ। और इसके बाद चूड़ाकरण संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार में एक संस्कार और होता है और वो होता है जीविका ज्ञान संस्कार।
जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो बैठने लगता है प्रायः, और उसके पास अनेक वस्तुओं को रखा जाता है, तो जिन वस्तुओं को भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को रखा जाता है, जिन वस्तुओं की तरफ बच्चा उसका स्पर्श करता है या पकड़ता है, तो ऐसे एक अनुमान किया जाता है इस क्षेत्र में बच्चे का प्रवेश होगा, ऐसा एक अनुमान जो है ऋषियों ने बनाया है। तो अन्नप्राशन के साथ में ये भी एक संस्कार होता है। इसके बाद चूड़ाकरण संस्कार है। चूड़ाकरण संस्कार में जैसे जानते हैं चटाई रखी जाती है, अन्य बार जो है सो भरवाए जाते हैं। इसके बाद कर्ण वेद संस्कार होता है। इसके बाद उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार, ये सभी संस्कार होते हैं, ये प्राय सभी को ही जानते हैं। और वानप्रस्थ संस्कार और संन्यास संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, इस तरह से हम लोग 16 संस्कार को मानते हैं। और जिन ये 2 संस्कारों के बीच में चर्चा हुई थी, गार्हपत्याग्नि और शोकाग्नि के परिग्रहण की, उसको भी विवाह संस्कार के अंतर्गत माना जा सकता है, क्योंकि गृहयाग्नि और श्रोताग्नि का वही ग्रहण कर सकता है जो गृहस्थ हो, अर्थात इसने विवाह किया हो, तो विवाह के संस्कार के अंतर्गत इसको भी हम मानते हैं। परंतु वो संस्कार उन्हीं के होते हैं जिनके कुल परंपरा में अग्निहोत्र है, जिनके परंपरा में अग्निहोत्र नहीं है वो लोग इनको धारण नहीं कर सकते या वो संस्कार उनके नहीं हो सकते। इसके बाद वानप्रस्थ संस्कार है जो प्रायः इस समय लुप्त है, या जिसके जो अपने माता पिता उनको पसंद नहीं है तो कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं जबरदस्ती, तो उनके लिए वानप्रस्थ हो जाता है, परंतु उसका स्वरूप नहीं है, बाद में इसकी मैं चर्चा करूंगा। संन्यास आश्रम के विषय में सभी लोग आप जानते हैं और अंत्येष्टि क्रिया के विषय में जानते हैं। तो इस तरह से ये 16 संस्कार सर्वमान्य संस्कार है जो सभी को ही मानते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि संस्कार का मतलब क्या होता है, यानी जिसको आप कहते हैं संस्कार किसे कहते हैं। तो चलिए हम पहले संस्कार शब्द को ही लेते हैं कि संस्कार शब्द का ही क्या अर्थ है। तो संस्कार शब्द का जैसे अभी हम लोग कहते हैं, कभी कभी हम गुस्सा भी जाते हैं, आज तुम्हारा हम संस्कार कर देंगे, किसी को डांटते हैं, बहुत गाली नहीं देते हैं, बहुत सब है हम लोग, तो कहते हैं आज तुम्हारा संस्कार कर देंगे। संस्कार कर देने मतलब क्या है, ये तुमने गलती किया है उस गलती का एहसास तुमको करा देंगे कि ऐसी गलती तुमको नहीं करनी चाहिए, यही तो संस्कार का स्वरूप है। जो दोष है उसको हटा करके उसको एक सुंदर स्वरूप में ले आना ही संस्कार का स्वरूप है। संस्क्रियते दोषोपनीयते अतिशय गुण आधीयते हीनांगम पूजयते येन असौ संस्कार। संस्क्रियते अर्थात जो उसमें दोष है, पहले हम लोग क्या करते हैं, दोष को हटाते हैं। जैसे हम पहले अपने शरीर को संस्कार करते हैं, प्रतिम करते हैं, शौच जाते हैं, इसके बाद शौच जाने के बाद हम लोग मंजन करते हैं, तो दांतों में जितना कचरा उसको निकालते हैं, इसके बाद शरीर का जो है साबुन वगैरह लगा के शरीर का कचरा निकालते हैं, और इसके बाद जो है जो अशुद्ध वस्त्र उनको त्याग करके सुंदर शुभ्र धुले हुए वस्त्रों को पहनते हैं, तो हमारा प्रतिदिन अपने शरीर का संस्कार हम करते हैं। तो दोषाभिनयन हुआ, जितना दोष था उसको हमने हटाया, और अतिशय गुण आधीयते सब स्वच्छ हो गए, तो तेल वगैरह लगा करके, सुगंधित तेल लगा के, पाउडर वगैरह लगा करके अपने को सुंदर बनाते हैं, ये हो गया अतिशय गुणाधान। और हीनांगम पूर्यते, जो कुछ कमी हमारे शरीर में है उसको भी हम पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ही संस्कार में होता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेने के बाद उसका हमको संस्कार करना है, जैसे जन्म लेने के तत्काल जात कर्म संस्कार उसको करना है। तो जात कर्म संस्कार की पद्धति ये है, जो आजकल बहुत कम संभव है, जिस समय संतान उत्पन्न हुआ नाल छेदन उसका नहीं हुआ है, लालच छेदन के पहले ही जात कर्म संस्कार करने का विधान है। रामायण में आपने पढ़ा हुआ जात कर्म सब कीन, जब दशरथ के यहाँ राम जी उत्पन्न हुए तो सर्वप्रथम उन्होंने जात संस्कार किया और ब्राह्मणों को दान दिया। प्रश्न होता है कि जन्म लेने के तत्काल बाद सूतक लग गया और शुद्धि हो गई तो जात कर्म संस्कार कैसे होगा। इस प्रश्न का समाधान यह है कि जातक का जो दोष है माने सूतक है, जब नालक छेदन हो जाता उसके बाद ही सूतक का प्रवेश होता है,
उसके पहले उस उत्तक का प्रवेश नहीं होता, अर्थात अशुद्धि नहीं होती। इसलिए जात कर्म संस्कार करने के बाद 8 अंगुल नाप करके और नाला छेदन करने का विधान है शास्त्र में। आज नहीं, आजकल तो क्या है, बच्चे सब कहां जन्म लेते हैं, हॉस्पिटल में, और वहां तत्काल पैदा होने के तुरंत बाद जो आती है क्या नाम उसका जो है नर्स, वो पहला काम उसका होता है नाला छेदन करने के बाद तो दूसरी क्रिया करती है। उसके पास इतना टाइम नहीं रहे कि आधा घंटा या एक घंटा आपकी प्रतीक्षा करते रहे, आप जात कर्म संस्कार करते रहे। ये तभी संभव है जब घर में प्रसव हो और घर में ही पूरी व्यवस्था बनाई जाए, और जो आप पैसा आप खर्च करते हैं जो है हॉस्पिटल में, वो अपने किसी एक घर में ही सूतिका गृह बना करके और वहां पर प्रसव करवाए और किसी जो है दाई या नर्स को बुला करके पूरी व्यवस्था बनाए। पहले जो भवन निर्माण होते थे उसमें एक सूतिका गृह का भी निर्माण किया जाता है, क्योंकि बड़ा परिवार हुआ करता था तो उसमें जिस बच्ची जिस माँ को प्रसव करना रहता था तो उसको उस प्रसव की पूरी पूर्ण व्यवस्था उसकी सूतिका गृह में बनाई जाती थी और वे जात कर्म संस्कार इत्यादि हुआ करते थे। परंतु जात कर्म संस्कार आज के समय कैसे होना चाहिए, तो इसलिए भी शास्त्र का अगर कथन है कि समय होने के अगर पूरा हो गया है तो उसके बाद एकाध हफ्ता 10 दिन जब वो पूर्ण माँ पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए और क्रिया करने लायक उसका शरीर उपयुक्त हो जाए तो नामकरण संस्कार के पूर्व उस जात कर्म संस्कार करने का विधान शास्त्र में है। तो ये इस तरह से जात कर्म संस्कार का स्वरूप होता है। तो अतिशय गुणाधान ये संस्कार का स्वरूप है, और इसमें और भी है, इसमें वीर मित्रोदय कारण संस्कार के स्वरूप में लिखा है कि आत्म शरीरान्यतर निष्ठो गृहित क्रियाजन्यो अतिशय विशेष संस्कार। आत्म क्योंकि जो संस्कार होते हैं शरीर के खाली नहीं होते, हम शरीर का मतलब और आत्मा का मतलब क्या, आत्मा वच्छिन्न शरीर माने आत्मा से युक्त शरीर ही संस्कार के योग्य होता है। केवल आत्मा संस्कार के योग्य नहीं है, केवल शरीर संस्कार के योग्य नहीं है, केवल शरीर तो केवल अंतिम संस्कार के योग्य ही है जिसकी व्याख्या सबसे अंतिम में होगी। तो इसलिए आत्म शरीर अन्यतर निष्ठित विहित क्रिया जन्य अतिशय विशेषा संस्कार कहा गया, जिसमें आत्मा का भी संस्कार होता है, शरीर का भी संस्कार होता है और विशेष क्रिया के द्वारा होता है जिसमें अतिशय गुणाधान होता है, उसे हम संस्कार कहते हैं। मनु ने भी संस्कारों की चर्चा की। कल एक चर्चा हो रही थी कि स्मृतियों का जो स्वरूप है ये क्या ब्रह्म प्राप्ति के योग्य के स्वरूप में भी इसकी कोई भूमिका होती है क्या, कल एक प्रश्न हुआ था, मनु ने इसका उत्तर दिया। मनु कहते हैं कि स्वाध्यायेन प्रतिर्होमै त्रैविद्येन जय त्रैवेने जया श्रुतैः महायज्ञैश्च ब्रह्मीयं क्रियते तनुः। अर्थात स्वाध्याय के द्वारा, व्रत के द्वारा, होम के द्वारा, तीनों वेदों के अध्ययन के द्वारा और यज्ञ के द्वारा और सत संतानोत्पत्ति के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा और यज्ञों के द्वारा यह जो शरीर है ये ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। अर्थात इन संस्कारों का भी ब्रह्म प्राप्ति के योगदान है उसकी प्राप्ति में, तो इस तरह से इनका योग्य है। अब जो एक जो सबसे बड़ा स्वरूप है, ये जो हमारे संस्कार हैं इनका हम वर्गीकरण किस रूप में कर सकते हैं, तो मैंने इनको 5 स्वरूप में इनका वर्गीकरण किया है संस्कारों का। एक तो पहले है, सबसे पहले जो संस्कारों के पूर्व हमें क्या क्या किया जाता है वो पहले बताना आवश्यक है। हम जैसे कोई घर में उत्सव करते हैं तो प्राय जितने सगे संबंधी हैं, पट्टीदार हैं, उनको हम लोग बुलाते हैं। तो जो हमारे संस्कारों में भी ऐसे ही देवताओं का भी स्वरूप है। जब हम कोई भी संस्कार करेंगे तो उनमें हम गौर गणेश की पूजा करते हैं, कलश की पूजन करते हैं और उसमें पुण्यावाचन कर्म करते हैं, मातृका का पूजन, इसको हम लोग षोडश मातृका कहते हैं, उसका पूजन करते हैं,
इसके बाद बसोर धारा आशा सप्तो ग्रंत मातृकाओं का पूजन करते हैं। इसके बाद जो है वो आयुष मंत्र का जप करते हैं और अनंतर जो है बलि विश्वदेव यानी विश्वदेव का पूजन करके जिसको कहते हैं हम जो है नांदी कर्म उसको हम करते हैं। तो नांदी कर्म के द्वारा पितरों की पूजा होती है और अन्य जो पूर्व कर्म है उनके देवताओं की पूजन। तो देवता पितृ पूजन पूर्वक ही प्रत्येक कार्य का आरंभ होता है जिसको हम लोग अपनी कर्मकांड की भाषा में पंचांग पूजन कहते हैं। तो पंचांग पूजन के अनंतर ही प्रत्येक संस्कार की विशेष क्रियाएं होती हैं, ये एक सर्वसाधारण बात है। इसके अनंतर जैसे भीम ने कहा कि जो संस्कार हैं इनको हम पांच कोटि में रखते हैं और वो पांच कोटि ये हैं कि सर्वप्रथम जो है जो संस्कार हैं उनका है कि जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत कौन कौन संस्कार आते हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार के में ऊपर जो है वो आपके आते हैं जो है गर्भाधान और पुंसवन और इसके बाद जो है अनुलोभन उसी के अंतर्गत आ गया और सीमन पुण्य और उसी के अंतर्गत आपका जो है विष्णुबलि, ये संस्कार होते हैं। तो जैसे हमने कहा प्रथम जो है वो आपका है जो है जन्म पूर्व संस्कार, उपनयन पूर्व संस्कार ये दूसरा हुआ और तीसरा आपका जो भाग है जिसको हम कहते हैं उसको जो है द्विजत्वाधायक संस्कार और विवाह एवं विवाहोत्तर संस्कार और चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्ति संस्कार। ये पांच भागों को 16 संस्कारों का विभाजन किया जाता है। फिर से जानकारी कर ले, प्रथम जन्म पूर्व संस्कार, द्वितीय उपनयन पूर्व संस्कार, तृतीय द्विजत्वाधायक संस्कार, चतुर्थ विवाह एवं विवाहोत्तर संस्कार और पांचवा पुरुषार्थ चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्ति संस्कार। तात्पर्य यह है कि चारों पुरुषार्थों की सिद्धि भी संस्कारों के माध्यम से होती है। धर्म संस्कार का स्वरूप बनता है, धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि वो बनती है आपकी ब्रह्मचर्य आश्रम से या जो है उपनयन पूर्व संस्कार के और उपनयन संस्कार तक के द्वारा। आपका जो विवाह संस्कार है उससे धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है और चतुर्थ जो पंचम भाग है जिसको हमने बताया वो चतुर्थ अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि का स्वरूप बनता है। कैसे बनता है इनका हम स्वरूप आपके सामने प्रकट करते हैं। सर्वप्रथम जो प्रथम भाग है जिसकी हमने पहले चर्चा की जिसमें गर्भाधान संस्कार कब होता है इसका भी जानकारी आवश्यक है। गर्भाधान संस्कार का समय होता है विवाह संस्कार के बाद एक चतुर्थी कर्म होता है। चतुर्थी कर्म के अनंतर ही गर्भाधान संस्कार की योग्यता बनती है और उसी समय गर्भाधान संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। द्वितीय संस्कार आपका गर्भाधान के बाद पुंसवन जिसके विषय में हमने अभी बताया था। पुंसवन शब्द जो है ये इसका जो विधान होता है ये होता है आपका तीसरे महीने। गर्भ जो है आपका 3 महीने का हो गया लगभग तब उसके बाद जो है ये इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इसमें जो है वो गर्भाधान संस्कार के तीसरे महीने जब 3 महीने गर्भ हो जाता तब इसके बाद इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है और पुंसवन संस्कार के दूसरे दिन ही अनलोभन संस्कार इसकी चर्चा हमने की थी वो अनलोभन संस्कार आपका होता है और उसके पश्चात जब आपका छठवां महीना होता है छठवां महीना तो छठवें महीने में आपका सीमंतोन्नयन संस्कार होता है छठवें महीने में और उसी समय विष्णुबलि संस्कार भी होता है छठे महीने में। और जब जन्म इसके बाद है आपका जातक संस्कार जिसके विषय में आपकी चर्चा हुई उत्पन्न होने के बाद जात संस्कार के कर्म के साथ के अनंतर जो है वो षष्ठी पूजन एक संस्कार होता है जिसमें षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है वो जन्म से छठवें दिन होती है वो भी उसी के अंतर्गत माना जाता है। इसके बाद नाम
नाम करण संस्कार की चर्चा होती है। नामकरण संस्कार के विषय में बताएं, इसमें चार नामकरण होते हैं एक व्यक्ति के, कुल देवता नाम, और इसके बाद जो है वो मास देवता नाम, इसके बाद नक्षत्र नाम, और चौथा व्यवहारिक नाम। ये चार नाम किया जाता है। आपके जो कुल देवता है, कुल देवता के नाम से एक नामकरण होगा। इसके बाद मास नाम, मास के भी भगवान के 12 नाम है, उन 12 नामों से, द्वादश नामों से एक नाम करण व्यक्ति का होता है। और जैसे पौष मास में किसी का जन्म हुआ तो पौष मास के देवता हरि माने जाते हैं, तो मास नाम में उस व्यक्ति का नाम हरि रखा जाएगा, एक उदाहरण के रूप में हमने बताया। और नक्षत्र जो नाम होते हैं, नक्षत्र में आपने चार चरण होते हैं नक्षत्र में, तो जिस चरण में बच्चे का जन्म होगा वह नाम उसका आदि, जैसे राम नाम है तो राम, ये र जो शब्द है ये तुला राशि का, तुला में है, और ये जो है कि पुनर्वस नक्षत्र में, तो पुनर्वस नक्षत्र के चरण में है, इसलिए रा नाम से राम भगवान नाम का नाम राम पड़ा। तो इस तरह से नक्षत्र नाम है। और व्यवहारिक नाम के विषय में थोड़ी विशेष चर्चा है। दूसरे एक चीज जिसका भी हमने चर्चा नहीं की कि नामकरण संस्कार किस दिन होना चाहिए, तो नामकरण संस्कार जन्म से 11वें दिन होना चाहिए, दशम्याम उत्तर से जात से नाम कुरिया। और उसमें भी कहा गया कि इसका नामकरण में भी व्याकरण का ज्ञान भी आवश्यक है, जो नामकरण करे। क्यों? उसका कृदंत नाम होना चाहिए, तद्धित नाम नहीं होना चाहिए। कृतम कुरिया न तद्धितम, कृदंत नामकरण उसको होना चाहिए, तद्धित नामकरण होना चाहिए। जैसे ज्ञान दत्त हो सकता है, रामनाथ हो सकता है, राम शरण हो सकता है, किंतु किसी का नाम जो है भागवत नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई भागवत? कहा कि भगवत शब्द से भगवतः अयम भागवतः, तो ये कृदंत नाम न होकर के तद्धितांत नाम हो गया, इसलिए उसका नाम तद्धितांत नाम, दाशरथी नाम नहीं होना चाहिए। वैसे उल्लेख हो सकता है दशरथ पुत्र के रूप में दाशरथी कहे, परंतु वो नामकरण नहीं होगा। दाशरथी से दशरथ पुत्र अयम, ऐसा रूप में दाशरथी शब्द का उच्चारण है, या भगवत शब्दवाची कोई व्यक्ति है उसका नाम, उसके पुत्र का नाम भागवत हो सकता है, या भगवान के भक्ति के रूप में उसको भागवत, भगवत अयम भागवत, इस रूप में उसको भागवत भगवान का भक्त के रूप में उसको ऐसे कहे, पर नामकरण के रूप में नहीं होगा, ऐसा बताएगा। दूसरे क्या है कि उसमें जो है इस तरह से बहुत सा विचार उस पर है, किस नाम होना चाहिए, कौन नहीं नाम होना चाहिए, इत्यादि अनेक विचार हैं नामकरण में। नामकरण संस्कार के पश्चात जो है यह आपका होता है कर्णवेध संस्कार, और कर्णवेध संस्कार में भी जो है निष्क्रमण संस्कार होता है। नामकरण के बाद निष्क्रमण जो जन्म से चतुर्थ मास में होता है, और निष्क्रमण का में ही इसी समय तीन कर्म, जैसे उद्देश्य में बताया गया था, सूर्यावलोकन भी होता है। सूर्यावलोकन अर्थात भगवान सूर्य का दर्शन, अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि 4 महीने तक बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्यों कहीं नहीं उसके शरीर उसको बाहर की हवा सहने लायक नहीं होता है इत्यादि। और इसी समय पर जो है जन्म से चतुर्थ मास में आपका निष्क्रमण संस्कार, सूर्यावलोकन संस्कार, और जन्म से 6वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार, जिसको प्राय प्रचलित है, प्राय सभी लोग अपने बच्चे का अन्नप्राशन कराते हैं, और अन्नप्राशन संस्कार होता है, इसी में वृत्तिचयन की जिसकी हमने चर्चा की थी, वृत्तिचयन भी होता है। इसके बाद चूड़ाकरण संस्कार होता है, जो जन्म के 3रे या 5वें वर्ष किया जाता है, और कर्णवेध संस्कार इसके अनंतर है, जो जन्म के प्रथम वर्ष में या तृतीय वर्ष में या पंचम वर्ष में ये कर्णवेध संस्कार किया जाता है। कर्णवेध संस्कार के विषय में भी बड़ा इसका महत्व है। कई रोग ऐसे हैं जिनका निवारण कर्ण छेदन से जो है वो शांत हो जाता है, निवारण हो जाता है। किसी भी अभी आप किसी वैद्य से पूछेंगे, प्राय बात रोग में जिसका कर्ण छेदन है उसको वैद्य लोग उसका कर्ण छेदन करके बात रोग का शांत करते हैं, तो ये कर्ण छेदन का एक वैज्ञानिक महत्व है। इसके बाद उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार की व्यवस्था प्रत्येक वर्ण की भिन्न भिन्न है। ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि गर्भ से या जन्म से 8वें वर्ष का उसको होना चाहिए। क्षत्रिय को जन्म से या गर्भ से 8वें 11वें वर्ष का होना चाहिए। और वैश्य के लिए कहा गया उसको जन्म से जो है वो 12 से 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए, 12 वर्ष का होना चाहिए, मुख्य रूप से है
अगर उस समय संभव नहीं है तो ठीक दूना समय उन लोगों के दिया गया है कि ब्राह्मण अधिकतम 16 वर्ष की अवस्था तक यज्ञोपवीत संस्कार कर करा सकता है, क्षत्रिय जो है 22 वर्ष की अवस्था तक अपना संस्कार कर करा सकता है, और वैश्य जो है 24 वर्ष की अवस्था तक कर करा सकता है। अगर इतने समय तक नहीं हुआ उसको व्रात्य दोष लग जाता है। व्रात्य दोष लगने से सावित्री उसको स्वीकार नहीं कर सकती, तात्पर्य है उस फिर गायत्री सिद्ध उसको नहीं हो सकती। आपको जानकर के एक आश्चर्य होगा कि आप लोगों ने अग्निबाण ब्रह्मबाण इत्यादि इत्यादि के विषय में चर्चा सुनी होगी और पढ़ा है कि इतने बड़े जो है प्रहार करते थे और उस वायव्यास्त्र का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता था, ये गायत्री सिद्धि से ही संपूर्ण अस्त्रों का इनका होता है। इसकी जानकारी करने के वशिष्ठ का एक धनुर्वेद है जो कि छपा हुआ है, उसको आप पढ़ के दे सकते हैं, उसमें गायत्री साधना किस तरह के उपाय बताए गए हैं तत्त्व अस्त्रों की सिद्धि करने के लिए। और इसी तरह से गायत्री मंत्र के सिद्धि से ही ये संपूर्ण जितने हैं ब्रह्म प्राप्ति के या ब्रह्मत्व प्राप्ति के या क्षत्रिय तेज की प्राप्ति के लिए वैश्य तेज की प्राप्ति के लिए भी इसका होता है। तो अगर उस समय नहीं हुआ तो व्यक्ति गायत्री साधना से वंचित हो जाता है, फिर वो चाहे जितना भी गायत्री जपे वो जो मुख्य तेज है उसकी प्राप्ति उसको नहीं हो पाती है। इसलिए उस समय पर उस संस्कार होना आवश्यक है। वेदारंभ संस्कार जिसकी चर्चा है कि सभी वेदों का इसमें और अनेक विद्याओं का, तो वेदारंभ से वेदारंभ भी और साथ साथ में आपका जो है अनेक जो वेदांग है उनके भी अध्ययन किए। आप सब जानते हैं कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में ही चारों वेदों की वेदांगों की और साथ साथ चतुष्षष्टि कला की शिक्षा लेते थे। और आज के जैसे नहीं है, हम अगर 60% प्राप्त हो गया तो हम लोग क्या हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए, अगर 80% प्राप्त हो गए तो डिप्रेशन हो गया और 100 तो किसी को मिलता ही नहीं है, ये नियम बना हुआ। ऐसा नहीं था, पहले छात्र कहता था कि गुरु जी मेरी परीक्षा ले लीजिए, तभी उस छात्र की परीक्षा ली जाती थी। आज भी कहीं कहीं विदेशों में ऐसा है कि वहां पर उसको पढ़ता रहता है छात्र, जब जान लेता है कि मेरा ज्ञान हो गया है तो अपने गुरु जी से कहता है, तो 4-5 विद्वान बैठते हैं, सही प्रश्न करते हैं, सब उसके प्रश्न से संतुष्ट हो जाते हैं, तभी उसको डिग्री दी जाती है। नहीं कहते भैया अभी ठीक, अभी थोड़ा सा कमजोर है, 1-8 साल और थोड़ा सा मेहनत करिए। उस समय ऐसा ही होता, छात्र कहता था गुरु जी मेरा अध्ययन करते करते बहुत दिन हो गए और मेरी परीक्षा ले लीजिए, तो उसकी परीक्षा ली जाती थी। आचार्य लोग बैठते थे, जो मुख्य आचार्य होते थे जिनको हम लोग कुलपति कहते हैं वो होते थे, और उनके जो आचार्य होते थे वो सब बैठते थे, उस बच्चे से पूरे प्रश्न होते थे और जब वो संपूर्ण उत्तर दे देता था तब उसको उत्तीर्ण कहा जाता था और फिर सम्मानित करके तभी वो गुरुदक्षिणा देता था। ये स्थिति थी, ये लिखित परीक्षा और जो मौखिक परीक्षा है, अपना नाम बता दिया उनको नंबर 100 की जगह 80 नंबर दे दिया जाता है, ये पूरी तरह से गलत है और उसका वो सिस्टम ठीक नहीं है, ये गुरुकुल का प्रणाली का है। और इसी के बाद जो है फिर केशांत या समावर्तन संस्कार होता था, और समावर्तन संस्कार की जो अवस्था थी वो 25 से 30 के बीच में, जब पूरा उसका अध्ययन हो जाता था। वेद के अध्ययन की दो परंपराएं, एक परंपरा है स्वशाखाध्याय और तीसरा है चारों वेदों का अध्ययन। तो जो एक वेद के संपूर्ण उसके नियम के साथ साथ 12 वर्ष लगते हैं, अगर पूरे उसके जिसको कहते हैं घनांत है ये, तो घनांति विद्वान षडंग वेदाध्यायी, उसको 12 वर्ष लगता था, तो उसने 12 चौक 48 वर्ष भी कई ऐसे बच्चे हैं वो रहते थे गुरुकुल में, 48 वर्ष पूरा करे माने प्राय उनकी 36 वर्ष की अवस्था होती थी, या कुछ कुछ वेद जल्दी भी हो जाते हैं तो 36 वर्ष की अवस्था में भी समावर्तन संस्कार की चर्चा आती है। और इसके बाद है विवाह संस्कार, तो समावर्तन के संस्कार के बाद 25 से 30 वर्ष की अवस्था में जो है वो आपका विवाह संस्कार होता था, और विवाह संस्कार के बाद ही गृहयाग्नि और श्रौताग्नि धारण के भी संस्कार होते थे। उस जमाने में सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि सभी श्रौत अग्नि का और गृहयाग्नि का पालन करते थे। और जब 60 वर्ष या उससे ऊपर के हो गए, पुत्र भी हो गया, पौत्र भी हो गया, पुत्र आपके संपूर्ण गृहस्थी का भार संभाल लिया, तब वानप्रस्थ में जाते थे। वानप्रस्थ में जाने की दो अवस्थाएं होती थी, एक
अवस्था ये होती थी, अगर पत्नी भी सक्षम है तो वो भी साथ में जाती थी, वानप्रस्थ संस्कार उसका होता था। अगर वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अकेले ही वानप्रस्थ जाने का विधान शास्त्रकार ने किया। और जब आप वानप्रस्थ में तपश्चर्या से, नियमों के पालन से, साधना से आपको ये ज्ञान हो जाता था कि पूरा संसार ये भगवानमय है, किसी से आपको राग द्वेष नहीं होता था, संपूर्ण इंद्रियों के आपके बस में हो जाती थी, और जब ये स्थिति आपकी हो जाती थी कि निज प्रभु में देखहिं जगत कहीं सन करहिं विरोध, उस अवस्था में जिसको कहते हैं परमहंसावस्था, उसी समय पर संन्यास ग्रहण की स्थिति होती थी। और वो लगभग 75 आयु के अवस्था होने पर चतुर्थे वयस, और कभी कभी आतुर संस्कार, आतुर संन्यास की ही अवस्था है। रघुवंश महाकाव्य में रघु को संन्यास देने का विधान वर्णन है, रघु को अंत में संन्यास दिया गया था। तो ये स्थिति है कही है। और सबसे अंत में जो है वो आपको अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन है। अंत्येष्टि संस्कार ये वस्तुतः शरीर और आत्मा का दोनों का संस्कार है, जिसमें आपके पहले उसमें जैसे अपने सोमात्मकम जगत हमने अभी बताया था, पिंडदान जो होते हैं वो पिंडदान आपके वहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। 3 षोडशी, इसकी चर्चा हम 11 तारीख को करेंगे श्राद्ध में, विशेष रूप से चर्चा है। एक सामान्य सा आपको बता देते हैं, और वो ये है कि जो 3 षोडशी होती है, मलिन षोडशी, मध्य षोडशी और उत्तम षोडशी, तो जन्म समय से मृत्यु समय से लेकर के और दशगात्र पर्यंत जो पिंडदान होते हैं, जो जिसमें आपके 5 पिंडदान जो है मृत्यु स्थान से लेकर के और अंत कर्म तक में होते हैं, और 1 पिंडदान जो होता है वो होता है अस्थि संचयन में, टोटल ये 6 पिंडदान होते हैं, और 10 पिंडदान ये आपके होते हैं वो जो है दशगात्र के दिन। और इसके बाद मध्य षोडशी उसे देवताओं के नाम से होती है, और उत्तम षोडशी जो है वो मास नाम से होती है, जिसको जो है आद्य पिंड और इसके बाद पाक्षिक पिंड, फिर प्रथम मासिक, त्रिपाक्षिक, द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, चतुर्थ मासिक, पंचम मासिक, पूर्ण षाणमासिक, षाणमासिक, सप्तम मासिक, अष्टम मासिक, नव मासिक, दशम मासिक, एकादश मासिक, पूर्णाब्दिक, आब्दिक, ये 16 पिंड, ये 16 पिंड का दान होता है। और 16 इस प्रकार 48 पिंड दान करने के पश्चात ही जो है वो जीव वो स्वर्गादि या मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करता है। तो इस तरह से इन संस्कारों का वर्णन हमारी स्मृतियों में और हमारे जो ये श्रौत गृह्य सूत्र ग्रंथ है उनमें हमें प्राप्त होता है। यदि प्रत्येक संस्कार ऐसे है कि अगर एक एक संस्कार में चर्चा किया जाए तो एक एक व्याख्यान उसके लिए आवश्यक है, विशेष करके आपका गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार और संन्यास संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, इन बड़े बड़े हैं, उनमें बड़ा विचार हो सकता है। आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।